केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अपने जोधपुर दौरे के दौरान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। शेखावत ने सचिन पायलट की यात्रा और महंगाई राहत कैंपों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के साथी ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जबकि मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ योजनाओं के जरिए लोगों को फायदा पहुंचा रही है। देश की सरकार के किसी प्रदेश के सूबे की सरकार के मंत्री ही अपने मंत्रिमंडल के साथियों के ऊपर सड़क में और संसद में इन दोनों जगह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती। यह एक मुख्यमंत्री की इससे बड़ी मजबूरी नहीं हो सकती कि उसके मंत्री उसको सड़क पर घेरने का काम कर रहे हैं और सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। वो जोर जोर से लाखों लोगों की उपस्थिति में लोग बयान कर रहे हैं। राहत शिविर में पहली राहत उन लोगों को प्रदान की जा रही है या किसको देने की घोषणा की जा रही है जिनको बिजली का बिल 50 यूनिट से लेकर के 100 यूनिट तक मुफ्त होगा। 50 यूनिट तक करने के लिए आपको किसी राहत शिविर की आवश्यकता नहीं पड़ी। 100 यूनिट करने के लिए राहत शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल कंप्यूटर के प्रोग्राम में एक बदलाव, शायद 12वीं क्लास का जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी भी कर सकता था कि एक बदलाव उस प्रोग्राम में करता और 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त हो सकती थी। गर्मी में लोगों को ला करके लाइन में खड़ा करके उसको रोज गारंटी देने की आवश्यकता नहीं थी और उसके लिए समय जाया करने की भी आवश्यकता नहीं। 2000 यूनिट किसानों को देनी है, अव्वल तो जिनको देना था किसानों की सूची आपके पास में, सिर्फ कंप्यूटर के प्रोग्राम में 2000 यूनिट तक का फ्री किया जा सकता था। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने, पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो घोषणा की थी और जो डिलीवर कर रहे थे कि 850 रुपए प्रति किसान कनेक्शन के हम सब्सिडी देंगे जो मिल रही थी, 5 साल में उसका आंकड़ा लगभग 50,000 रुपए होता था। 2 साल से ज्यादा समय तक सरकार ने उसको बंद किया, उस पैसे को उठा करके अपने जेब में रखा, 10,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 20,000 रुपए अपनी जेब में बचाए।